तीन चार दिन में डिफरेंट बैंक से डिफरेंट लोगों से बातचीत भी की लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस चीज का बहुत गम भी है क्योंकि एक इच्छा थी कि एक अच्छे नोट पे भेजें, नहीं कर पाए। लेकिन कुछ प्रपोजल्स बैंक्स में हैं जिनके की बोर्ड की मीटिंग्स 5 तारीख को है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में अगर वो प्रपोजल क्लियर होते हैं तो हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट मुझे जो एक पॉजिटिव था, जितने भी लोगों ने VRS लिया है और जिन लोगों का रिटायरमेंट है, सब लोगों का पिछले 8 महीने का लगभग GPF का भुगतान मैं नहीं कर पाया था। पिछले महीने मैंने 720 करोड़ रुपए का भुगतान सभी लोगों का GPF का कर पाया हूँ, जिससे कि सारे लोग जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन सब लोगों का GPF का भुगतान हो सके। तो ये एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव है। साथ ही साथ एक और चीज जो मैंने सोची थी मैं नहीं कर पाया, दिसंबर के महीने में हमने जब 2 महीने का सारे अपने फील्ड ऑफिस को ऑपरेशंस का पेमेंट किया था, लगभग 650 करोड़ रुपए मैंने ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए दिए थे और साथ ही साथ करीबन 800 करोड़ 850 करोड़ रुपए कैपेक्स में पेमेंट किया था, जिससे कि BSNL को एकदम नॉर्मल रूटीन पे मैं ला सकूँ। और इच्छा ये थी कि दिसंबर को जब हम जनवरी का महीना खत्म करें तो एक 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए फील्ड को और दे सकूँ, जिसकी वजह से एक BSNL में एक बिल्कुल नॉर्मल का माहौल उभर के आ पाए। नहीं कर पाया क्योंकि बिजली का खर्चा लगभग 200 करोड़ रुपए इस महीने हमें देना पड़ा। बैंक के जो हमारे VRS रिटायरी भाई थे और उन लोगों का 50 करोड़ रुपए अभी परसों मैंने रिलीज किया है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट सोचता है और कमिट करता है और उसके लिए कर्मठता के साथ कार्य करने की कोशिश भी करता है, लेकिन सफलता और असफलता जीवन के दो हिस्से हैं। बहुत सारी चीज़ों में सफलता मिली, बहुत सारी चीज़ों में सफलता नहीं मिली है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आज के दिन पे आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट पूरी तरह से इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि आप लोगों की जो देनदारियाँ हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से हम पूरा कर सकें, जिससे कि जो पार्टिंग है बिल्कुल एक स्मूथ हो सके। और साथ ही साथ बहुत सारे साथी भाइयों को जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हो, जिनको पैसे की आवश्यकता है,